आपने ओल्ड इज गोल्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि काफी पुरानी है और आज के जमाने में गोल्ड के बराबर मानी जाती है। यहाँ पर आपने TVS गोल्ड नाम की ब्रांड के बारे में सुना होगा। बेसिकली एक इंडियन ब्रांड है जो कि ऑफिसर्स के लिए कीबोर्ड भी बनाती है। अगर आप मार्केट में जाते हो और कीबोर्ड्स देखते हो ना, तो TVS के जो कीबोर्ड्स होते हैं वो बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं। लिटरली आपको ये कीबोर्ड्स 2000 रुपये में देखने को मिल जाते हैं, और जो ये स्विचेस आपको ऑफर करते हैं वो फैंटेस्टिक होते हैं। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि ये कीबोर्ड आपको रिफर्बिश्ड मार्केट में और भी इजीली मिल जाते हैं, लिटरली हाफ के हाफ प्राइस में। मतलब कि जो कीबोर्ड नया आपको 2500 रुपये का मिल रहा होगा, रिफर्बिश्ड मार्केट में आपको 700-800 रुपये का मिल जाता है। अब यहाँ पर मेरे ग्रुप में एक बंदा था जिसका नाम था गर्व राय, जो कि TVS के जो है रिफर्बिश्ड कीबोर्ड बेच रहा था विद चेरी MX रेड स्विचेस। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यार एक यूनिट उससे लिया जाए और आप लोग को बताया जाए कि क्या होगा अगर आप जो है चेरी MX रेड स्विचेस वाली TVS कीबोर्ड आज की डेट पर यूज़ करते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, और अगर आप इसे कंपेयर करते हो 6-7 हज़ार रुपये वाले चेरी MX रेड स्विचेस के कीबोर्ड से, तो यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। वैसे तो अगर आप भी इसी टॉपिक पे इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई विंडो कीज डॉट इन। अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप विंडो कीज डॉट इन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TIBJ350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब जो TVS गोल्ड जो कंपनी है वो बेसिकली जो है ऑफिसर्स के लिए कीबोर्ड बनाती है। इस कंपनी का गेमिंग से कोई भी लेने देना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है चेरी MX के स्विचेस वाले कीबोर्ड ऑफिस में भी यूज होते हैं और गेमिंग में भी यूज होते हैं, तो आप TVS के जो कीबोर्ड्स होते हैं ना आप उनको गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। और 1000 रुपये के अंदर अगर आपको जेन्युइन चेरी MX स्विचेस वाला कीबोर्ड मिल रहा है ना, तो मैं मानता हूँ आपको आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी उसकी कंडीशन भी चेक करनी चाहिए। यहाँ पास जो मेरे पास कीबोर्ड है वो आता है चेरी MX रेड स्विचेस के साथ, जो कि गेमिंग के लिए काफी प्रीफर किया भी जाता है। पहली चीज जो यहाँ पर आप इस कीबोर्ड में नोटिस करते हो वो है इसका लुक। ये कीबोर्ड किसी भी तरह से गेमिंग कीबोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कीबोर्ड देखने में बिल्कुल पुराने वाले ऑफिस टाइम के कीबोर्ड लगता है, जहाँ पर आपको काफी बोरिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी जो यहाँ पर है वो बिल्कुल मेड अप ऑफ प्लास्टिक है। लेकिन रिमेंबर, ये कीबोर्ड एक मेड इन इंडिया कीबोर्ड है, तो यहाँ पर जो आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है ना वो बहुत ही सॉलिड है। भले ही ये कीबोर्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही सॉलिड है। लाइट्स के नाम पे यहाँ पर आपको केवल 3 छोटी छोटी लाइट्स मिलती है, जिसको कि केवल आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आप उनका कलर चेंज नहीं कर सकते, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। इस कीबोर्ड में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करके टाइपिंग करना चाहते हो या गेमिंग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कीबोर्ड के नीचे यहाँ पर आपको रबर पैड भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपकी टेबल थोड़ी सी स्लिपरी है तो कीबोर्ड वहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्टिल रहता है, फिसलता फिसलता नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के बारे में, क्या होगा अगर आप इस कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हो या गेमिंग करते हो तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब इससे पहले अगर आपने कभी भी चेरी MX रेड स्विचेस या कोई भी रेड स्विचेस आपने नहीं चलाए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है चेरी MX रेड स्विचेस ना वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आपको किसी भी तरीके का साउंड आउटपुट नहीं प्रोवाइड करते। मतलब कि जैसे कि चट 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 मैकेनिकल कीबोर्ड में साउंड आता है, चेरी MX रेड स्विचेस वाले जो कीबोर्ड होते हैं उनमें आपको कोई साउंड देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो आपको की प्रेस करने के लिए फोर्स चाहिए होता है वो बहुत ही कम होता है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी ऑप्टिमल माना जाता है। हालांकि टाइपिंग के लिए थोड़ा लोग ब्लू स्विचेस प्रीफर करते हैं, वो थोड़ा सा साउंड भी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा ज़्यादा जो है फोर्स भी लेते हैं रजिस्टर होने के लिए। जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर इस कीबोर्ड पे जो है टाइपिंग करते हो तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। अगर आप बिना देखे टाइपिंग कर लेते हो तो आप इस कीबोर्ड पर टाइपिंग को इंजॉय करने वाले हो। यहाँ पर आप टाइपिंग करने में बिल्कुल भी नहीं थकते, क्योंकि जाहिर सी बात है की रजिस्टर होने के लिए फोर्स जो चाहिए होता है वो बहुत ही कम होता है। बाय द वे, आप में से जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि इस कीबोर्ड का साउंड कैसा है, साउंड टेस्ट आपके सामने ये रहा। तो टाइपिंग के लिए ये कीबोर्ड एक बेहतरीन ऑप्शन है। वही दूसरी तरफ अगर बात आती है गेमिंग की, चेरी MX रेड स्विचेस जो है वो गेमिंग के लिए भी प्रीफर करे जाते हैं। और पर्सनली मैं खुद सर्किल का जो है एक इंट्री लेवल गेमिंग कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, जिसमें आपको चेरी MX रेड स्विचेस भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप चेरी MX रेड स्विचेस के इंट्री लेवल भी कीबोर्ड लेने जाते हो ना, तो वो मार्केट में आपको लगभग 6500 रुपये से मिलना स्टार्ट होते हैं।
और अगर आप TVS गोल्ड का चेरी मैक्स रेड स्विचेस लेते हो रिफर्बिश्ड वाला, तो वो आपको 1000 रुपए का आराम से मिल जाता है। नया आपको हो सकता हो 2500 रुपए के आसपास मिल भी जाए। ये कीबोर्ड मैं आपको बता दूं गेमिंग के लिए बेहतरीन है। एज ऑफ नाउ मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे प्रीवियस कीबोर्ड में भी चेरी एमएक्स रेड स्विचेस थे, इस कीबोर्ड में भी रेड स्विचेस है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस पुराने कीबोर्ड में था, सिमिलर एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर इस कीबोर्ड में भी देखने को मिला, और गेमिंग करते टाइम इस कीबोर्ड में मुझे कोई भी गूस्टिंग इशू देखने को नहीं मिला। तो अब यहाँ पर अगर आप बजट में रहते हुए चेरी एमएक्स रेड स्विचेस वाले कीबोर्ड लेने की सोच रहे ना, तो आप TVS गोल्ड के साथ भी आप जा सकते हो। रिफर्बिश्ड वाले ये कीबोर्ड आपको आराम से मार्केट में मिल भी जाएंगे, और इनकेस अगर आप नया भी लेने जाते हो ना, तो वो भी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। एटलीस्ट गेमिंग कीबोर्ड के मुकाबले वो काफी कम प्राइस में मिलते हैं। अब मैं मानता हूं भले ही ये कीबोर्ड आपको लुक उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करते, आपको यहाँ पर RGB देखने को नहीं मिलती, आपको यहाँ पर की कैप्स उस लेवल के देखने को नहीं मिलते, आपको यहाँ पर फाइनल लुक जो है वो उतना गेमिंग वाला नहीं मिलता, लेकिन जो लोग लुक से ज्यादा परफॉर्मेंस प्रीफर करते हैं और वैल्यू को प्रीफर करते हैं ना, उनके लिए TVS गोल्ड वाले रिफर्बिश्ड कीबोर्ड एक परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे। बाय द वे अगर आप रिफर्बिश्ड कीबोर्ड खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, मैं एक लिंक दे दूंगा अपने ग्रुप का, जहां पर जाकर आप ज्वाइन करके रिफर्बिश्ड कीबोर्ड भी खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस कीबोर्ड का लिंक दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों ये तो इस वीडियो में, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।